नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब सब दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों 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 शुभकामनाएं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीजा वाले दिन को अक्षय तृतीया का दिन कहा जाता है। दोस्तों, आज का ये दिन आपको तमाम पापों से मुक्त करके पुण्य की ओर ले जाने वाला दिन है। आज के दिन आप जो भी दान पुण्य करते हैं, इसका फल अक्षय रहता है। आज का दिन वो दिन है दोस्तों, जब आपको कोई भी मांगलिक कार्य करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, शादी करनी है, सगाई करनी है, रोका करना है, नामकरण, मुंडन, जो कुछ भी करवाना है, नई मिलकतें खरीदना है, बहुत बढ़िया दिन है। आज के दिन घर में सोना जरूर खरीदे। आज के दिन यदि आप सोना लेकर के आते हैं तो आपके घर में सोना बढ़ता ही चला जाता है। घर में अनाज लेकर के आए। आज के दिन अनाज का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दान करें, कपड़ों का दान करें। दोस्तों, आज के दिन घर में आप अपराजिता की जड़ लाए और उसे पूज करके रखते, कभी भी घर में धन की कमी नहीं रहेगी। एक छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आज के दिन जरूर करें। वैसे तो आप हम सभी लोग जानते हैं कि अनाज में चावल ऐसी चीज है, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में आपको इस चीज की जानकारी दी है कि चावल का डिब्बा कभी भी संपूर्ण रूप से खत्म नहीं होने देना चाहिए, है ना? चावल का डिब्बा हमेशा मुंह तक भर के, फुल भर के रखना चाहिए। चावल के डिब्बे में हमेशा चांदी का कोई भी आभूषण हो या चांदी का सिक्का डाल करके रखना चाहिए। आज के इस अक्षय तृतीया वाले दिन आपको एक छोटा सा उपाय यही करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं। आज के दिन इस छोटे से कार्य को कर लेने से दोस्तों आपके चंद्र मजबूत बनेंगे, मतलब घर में कभी कलेश नहीं होगा, कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, भगवान शिव की आपके ऊपर हमेशा कृपा रहेगी। दूसरा, आपके शुक्र मजबूत बनते हैं। शुक्र मजबूत बनने से घर में हमेशा धन आता रहता है, आपका व्यक्तित्व सुंदर बन जाता है। आप देखोगे जिनके शुक्र मजबूत है वो व्यक्ति सुंदर भी होता है और धनवान भी होता है। तो ये छोटा सा काम है, आज के दिन जरूर करें। एक छोटे से डिब्बे में, भले 1 किलो का ले या 500 ग्राम का डिब्बा ले, उसको आप मुंह तक भर दें। आप एल्यूमिनियम का भी डिब्बा ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का ही ले या फिर पीतल का हो तो भी चलेगा, डिब्बा ले ले, उसमें मुंह तक चावल भर दे, मुंह तक भर दे, बिल्कुल ऊपर तक, और उसके अंदर माता लक्ष्मी का एक सिक्का डाल दे, जिसमें माता लक्ष्मी, माता शारदा की तस्वीरें बनी हुई हो, ऐसा एक सिक्का उसके अंदर डाल दे। सिक्का को उसके अंदर डालने से पहले आपको उसमें हल्दी का तिलक कर देना है और हेम श्रेम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इस सिक्के को डालना है। डालना कैसे है मैं आपको बता दूं। पहले आपको डिब्बे के अंदर 3 मुट्ठी चावल डाल देने हैं, उसके बाद आपको इस सिक्के को रख देना है। सिक्के के ऊपर एक गुलाब का फूल रख दें और फिर उसके ऊपर आप बाकी के जो भी चावल है तमाम चावलों को भर दें। चावल ऊपर तक, मुंह तक भरने के बाद उसके ऊपर आप 2 बूंद घी की डाल दें। चावल के डिब्बे को बंद कर दें और इस पर आप लाल रंग का एक धागा बांध दें। ओम श्रेम श्रेय नमः मंत्र जाप करते हुए और इस डिब्बे को उठा करके घर के उत्तर दिशा में रख दें। दोस्तों, ये डिब्बा अक्षय पात्र बन जाएगा, कभी भी घर में आपके धन धान्य की कमी नहीं होगी। हमेशा इस डिब्बे को धूप दीप दिखाते रहें, जैसे आपने साक्षात माता लक्ष्मी को घर में विराजमान कर दिया है, इस तरीके से आपको इस डिब्बे को घर में रख देना है। किस्मत सोने जैसे चमक जाएगी, करके देखिए। जय श्री कृष्ण।